सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। इसको फ्रांस जो है वो लीड कर रहा है, फ्रांस के कहने पे ये हो रही है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्वाड जिसको अमेरिकन्स ने और इंडियंस ने, जापानीज ने और ऑस्ट्रेलियंस ने प्लान किया, लेकिन फ्रांस यहाँ पे अपनी जो है वो जो अपनी अपना रोल चाहता है इंडो पैसिफिक के अंदर। फ्रांस अपना रोल क्यों चाहता है, मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये जो एक्साइजेस है, नेवल एक्साइजेस, इनका नाम है ला पेरोज। और ये 18वीं सदी में एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर थे, उनके नाम पे ये हो रही है। तो ये एक बड़ी, इस एक्साइजेस में बेसिकली तो फ्रांस लीड कर और बाकी के पार्टनर्स हैं, लेकिन बेसिकली मकसद क्या है इन सारी एक्साइजेस का, और जो मकसद जो है वो समझने की जरूरत है। देखिए बेसिकली चार बड़े मकसद हैं इन मिलिट्री एक्साइजेस में, इन नेवल एक्साइजेस में। और इंडिया आपको पता है इसमें एक सेंटर स्टेज लेके बैठा हुआ है, बिकॉज सारे के सारे जो वेस्टर्न जो ट्रांस एटलांटिक पार्टनर्स है वो सारे यहाँ आ गए। पहली चीज जो मेन चार प्रायोरिटीज हैं, उनमें पहली प्रायोरिटी ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी, और रीजनल स्टेबिलिटी आएगी थ्रू सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। जो दूसरी टॉप प्रायोरिटी है, जो इस नेवल ड्रिल का भी मकसद है, वो है कि जी आपने फ्री एंड ओपन एक्सेस टू मैरीटाइम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको प्रिजर्व करना है। और जो थर्ड प्रायोरिटी है वो है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी प्राइमरली ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की बात होती है। जो चौथी प्रायोरिटी है वो है बेसिकली जो कैटास्ट्रॉफिक जो क्लाइमेटिक इवेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जो नेचर है वो भी जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो चार बड़ी चीजें हैं बेसिकली जिनमें ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। और मुझे एजाज हासिल है, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी प्राउड के लास्ट ईयर 2020 में फ्रांस के अंदर फ्रेंच मिलिट्री और फॉरेन ऑफिस ने एक बेसिकली अपना ब्लूप्रिंट दिया था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान तक लोग बुलाए हुए थे, पूरे खित्ते के लोग आए थे। और मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और जो हमने पेरिस में अटेंड की, जहां पे हमें बताया गया कि बेसिकली फ्रांस की मिलिट्री की क्या जो है वो उनका व्यू क्या है और उनका विजन क्या है। अब अगर देखा जाए फ्रांस इस सारे ऑपरेटर्स को लीड तो कर रहा है, और फ्रांस अपने आप को एक कहता है कि जी वो मिड साइज पावर। और फ्रांस क्यों कहता है ये, उसकी वजह यह है कि फ्रांस के वहां पे आइलैंड्स हैं। आपको बड़े कम लोगों को पता है कि फ्रांस जो है वो उसके आइलैंड्स हैं। फ्रांस के इंडियन ओशन में भी आइलैंड्स और पैसिफिक ओशन में भी आइलैंड, और फ्रांस चाहता है कि अलॉन्ग विद इंडिया वो अपने एक जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके और खित्ते में अपना असर और सूख भी इस्टेब्लिश कर सके। फ्रांस की ये जो एंट्री है इंडो पैसिफिक में, उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का जमाना था, तो जो एक हम लफ्ज बोलते हैं आइडिएशनल लीडरशिप, वो जो नजरियाती लीडरशिप थी, उससे अमरीका पीछे हट रहा था। तो फ्रांस ने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू गेट इन टू द रीजन। सेकेंड चीज ये है कि जो फ्रांस जो है वो समझता है कि हम इस के पार्टनर हैं। फ्रांस समझता है कि हम इस खित्ते के पार्टनर हैं। वो क्यों, जैसे मैंने बताया कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन के अंदर, जिनके नाम है ग्लोरियस आइलैंड्स, टोमेलिन, स्कैटर्ड आइलैंड्स, रीयूनियन, करगुलेन आइलैंड और कुछ और सेंट पॉल आइलैंड्स हैं। इसी तरह फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज पैसिफिक ओशन में भी हैं, जिसमें न्यू कैलिडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया और कुछ और हैं। सो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर फ्रांस का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है, और फ्रांस समझता है कि ये हमारे एक्टिव कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जिनको जो रीजनल पावर्स हैं दे मस्ट रिस्पेक्ट देम, ये फ्रांस कहता है। और नॉर्मली बड़े कम लोगों को पता है, जब मैं फ्रांस गया और मैंने इस सारी प्रेजेंटेशंस को और सबको समझा, तो आई केम टू नो कि ये तो फ्रांस की जो ये ओवरसीज टेरिटरीज हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, और वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। तकरीबन फ्रांस के मुताबिक 200,000 से ज्यादा सिटीजन जो हैं वो इन टेरिटरीज में रहते हैं, और फ्रांस के बकौल तकरीबन 9 मिलियन किलोमीटर का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो फ्रांस कवर करता है। और फ्रांस की अपनी भी तकरीबन 40% जो इंटरनेशनल ट्रेड है
वो यहाँ पे है, इस रीजन में है। सो फ्रांस को जारी बात है इंडिया की इस हवाले से जरूरत है, इंडिया क्योंकि ऑलरेडी क्वाड का मेंबर था और क्वाड में इंडिया की बड़ी अहमियत है। सो फ्रांस की अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो बहुत मजबूत है इंडिया के साथ, जिसको मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ कि फ्रांस इन नेवल ड्रिल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग जिसे आप कह लें कि रिलेशनशिप फ्रांस का बनता है। और ये जो रिलेशनशिप है इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि फ्रांस ने और इंडिया ने किस तरह अपने आप को इतना करीब कर लिया है। एक तो जारी बात है कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील 2016 में हुई, फिर मार्च 2018 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कि 6 जो यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स बने हैं जयपुर में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक साइट है जहां पे ये रिएक्टर्स बने हैं। इसके साथ साथ दोनों ममालिक की इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा है और दोनों ममालिक ने अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको अलाइन भी किया हुआ है। और अगर देखा जाए तो जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन है वो तकरीबन 12 बिलियन यूरो के हैं। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा भारत और फ्रांस के बीच जो नेवल ड्रिल होने वाली है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार शायद मसूद का रिएक्शन आया था लेकिन वो बड़ा इरिटेटिंग था, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये है रिएक्शन कमर चीमा का। कमर चीमा आप जानते हैं ये भी बड़े इरिटेटिंग हुआ करते थे, जब से ये इंडियन मीडिया पर आए हैं तो ये काफ़ी मतलब सुनने लायक हो चुके हैं, अब ये उतना इरिटेट नहीं करते हैं और उतनी पागलपन भरी जिहादी वाली बात नहीं करते हैं। तो ये हालांकि पाकिस्तान का इसमें रिएक्शन बनता नहीं है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है अगर भारत किसी भी देश के साथ कोई भी प्रोजेक्ट डील या कोई नेवल ड्रिल कुछ भी करे पाकिस्तान का मुंह उठा के रिएक्शन आ जाता है कि भारत ये कर रहा, भारत वो कर रहा, भारत ये कर रहा, इनकी ये आदत है। तो इनको क्या लेना देना है, भारत में कोई रशियन मिनिस्टर आए, भारत में कोई जापानीज आए, चाइनीज आए, कोई भी आए, पाकिस्तान की ये आदत है। पाकिस्तान को मतलब ऐसा लगता है ये अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं कि हम अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो शायद दूसरे देश जो हैं मतलब भारत में जो आ रहे हैं वो हम पर क्या कहते हैं वो हमसे भी मतलब कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, इस तरीके का खुद को इम्पोर्टेंस देने वाली बात हो जाती है। दोस्तों आपको पता होगा भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप कैसे हैं। भारत ने फ्रांस से राफेल डील की, राफेल जहाज लिए जो जिसके कुछ जहाज भारत में आ भी गए हैं और भी आने वाले हैं, और उसका भी रिएक्शन पाकिस्तान में आया कि पाकिस्तान को बड़ा थ्रेट हो जाता है इंडिया ने राफेल में आ लिया। अरे भैया आपके लिए जो हमारे पास पुराना कबाड़ा रखा है जो भी मिग वगैरह है वही काफ़ी है, हमारा मिग 21 आपके F-16 को गिरा के आ जाता है, तो राफेल तो हमने चाइना के लिए लिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी मार देंगे। तो इनके लिए यही था मेरा जवाब। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।